पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद पहुंचे हैं। मुरादाबाद पहुंचे डॉक्टर महेंद्र ने दौरे के प्रथम दिन विकास खंड डिलारी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विकास खंड परिसर में वृक्षारोपण और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया। साथ ही विकास परक योजना का शुभारंभ और केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके अलावा कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, उसकी निगरानी करने वे यहाँ आए हैं। इसके लिए अगले 4 दिन जनपद के हर ब्लॉक में हो रहे कार्य की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं बाढ़ और थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। प्रदेश के 40 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें से 26 जिले संवेदनशील हैं और 18 जिले अति संवेदनशील हैं। सभी जगह पर हमने मानसून से पहले अपने कार्यों को पूरा करा लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगा दी गई है, पीएसी तैयार है, कंट्रोल रूम सभी जगह बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से न पिछली बार किसी तरह की हानि हुई थी, न इस बार हो पाएगी। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। संभावित कोरोना की थर्ड वेव को लेकर पूरी तैयारी है। बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड बनाए जा चुके हैं। मैं मुरादाबाद आया हूं और 4 दिन तक मैं मुरादाबाद में रहूंगा। सभी ब्लॉकों का मैं प्रवास करूंगा, हर ब्लॉक में हो रहे कार्यों का मैं समीक्षा करूंगा और जो मुख्य कार्य हुए उसका मैं उद्घाटन करूंगा, प्रमाण पत्र वितरण लाभार्थियों को करूंगा। और इसके साथ साथ हम हर तरीके के अपने जनप्रतिनिधियों से सबसे संवाद स्थापित करेंगे। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक लोगों को ठीक ढंग से मिले, उसकी निगरानी करने के दृष्टि से आज मैं आया हूँ। आज मेरा यह डिलारी पहला ब्लॉक है, बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय योजना का और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं थी लाभार्थियों को आज उसका प्रमाण पत्र वितरण किया है। अभी मैं यहां अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, पूरी समीक्षा करूंगा, पंचायत भवन का मैंने उद्घाटन किया है। इसके बाद मैं संगठन के लोगों से मिलूंगा और फिर मैं ठाकुर द्वारा की तरफ जाऊँगा। जी अभी तो आपके सामने मैंने जो उसका उद्घाटन किया उसी का निरीक्षण किया है। अभी मैं वैक्सीनेशन सेंटर देखने के लिए जाऊंगा, वैक्सीनेशन सेंटर देखूंगा और उसके बाद फिर मैं अपनी बैठक करूंगा और फिर रास्ते में काम देखते हुए मैं वापस जाऊंगा। बाढ़ के लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तैयारी है। 42 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, 26 जिले संवेदनशील हैं, हमारे 18 जिले अति संवेदनशील हैं। सब जगहों पर हम मानसून से पहले अपने कार्य को पूरा कर चुके हैं और बहुत अच्छी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है, अंतर्विभागीय बैठकों की तैयारी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगा दी गई है, पीएफई तैयार है, कंट्रोल रूम बन चुके हैं, सारी जगहों पर हम लोगों ने कैंप स्थापित किए हैं, बोर्ड की व्यवस्था है, राहत आयुक्त अपना काम कर रहे हैं, सभी विभागों ने मिलकर के अच्छी योजना बनाई है, इसलिए कहीं पर कोई समस्या नहीं है और वे बाढ़ की पूरी तैयारी है। पिछली बार भी कोई जनहानि धनहानि पशुहानि नहीं हुई थी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।